morning, dear students. How are you? I hope you all are fine and enjoying online studies. Students, today we will revise subject English, lesson number 2. The name of this chapter is Good Habits. Good Habits means Achhi Aadatein. So, students, in this chapter, we learn about good habits. Okay? Now, we should have good habits. Hum sabne achhi aadatein honi chahiye. Good children have good habits. अच्छे बच्चों में अच्छी आदतें होती हैं. यू शुड ऑल्सो लर्न गुड हैबिट्स. सम ऑफ देम गुड हैबिट्स आर सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू बेड अर्ली एट नाइट. हमें रात को जल्दी सो जाना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में हमें जल्दी उठना चाहिए. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. अपने टीथ में ब्रश आपको दिन में कितनी बार करना चाहिए? टू टाइम्स. ओके, नाउ ड्रिंक मिल्क डेली. इट इज गुड फॉर हेल्थ. डेली आपको क्या ड्रिंक करना चाहिए? मिल्क, जो कि आपकी हेल्थ के लिए कैसा होता है? गुड होता है, अच्छा होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्रे टू गॉड डेली. गॉड को डेली हमें क्या करना चाहिए? प्रे करना चाहिए. ओके, ओबे योर टीचर्स. आपको अपने टीचर्स की बातों को मानना चाहिए. ओके, ओबे मीन्स आज्ञा का पालन करना. जो आपके टीचर्स आपको काम देते हैं वो आपको टाइमली करना चाहिए. रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ओके, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. और हमेशा ट्रूथ मीन्स सच बोलना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, वी शुड नॉट लर्न बैड हैबिट्स. हमें बुरी आदतें नहीं सीखनी चाहिए. लाइक नेवर टेल लाइज. हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. डोंट प्लक फ्लावर्स. फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए. डोंट राइट ऑन वॉल्स. दीवारों पर नहीं लिखना चाहिए. डोंट फाइट विद अदर्स. दूसरों के साथ हमें फाइट नहीं करना चाहिए. ओके, एंड नेवर हर्ट्स एनिमल्स एंड बर्ड्स. एनिमल्स और बर्ड्स को कभी भी हमें हर्ट नहीं करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, इफ यू अंडरस्टैंड द चैप्टर प्रॉपरली, सो इट वुड बी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस. नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन पेज नंबर 13, एक्सरसाइज पार्ट 1. चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन ईच ब्लैंक. यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी हेल्प से आपने इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज गो, स्पीक, टेल, ब्रश. ओके, नंबर वन इज नेवर डैश लाइज. लाइज मीन्स झूठ. ओके, नेवर गो, स्पीक, टेल, ब्रश. विच वर्ड कम हियर? Tell, never tell lies. कभी भी हमें किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए. Okay. Number two, you should dash the truth. Truth means such. Okay. So which word comes here? Go, speak or brush? Yes, give me answer. Yes, very good. Speak. You should speak the truth. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. ओके, कम टू द थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स. यू शुड डैश टू स्कूल. स्कूल क्या करना चाहिए? हमें जाना चाहिए ना. देन विच वर्ड वी राइट हियर? गो और ब्रश. वी राइट हियर गो. यू शुड गो टू स्कूल. हमें डेली स्कूल जाना चाहिए. नंबर फोर, यू शुड डैश योर टीथ. हमें अपने टीथ में क्या करना चाहिए? यस, ब्रश. राइट डाउन ब्रश. ब्रश, बी यू बी आर यू एस एच. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स, कम ऑन पेज नंबर 14, पार्ट 1. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दी गई हैं जिनमें से आपने एक ऑप्शन को चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स में लिखकर सेंटेंस को कंप्लीट करना है. ओके, द
Number one is ring the dash, ball or bell. हमें किस चीज को रिंग करते हैं, बॉल को करते हैं या बेल को करते हैं? Yes, very good, bell. B-E-L-L, bell. Okay, ring the bell. Number two, shut the dash, door or floor. Shut means बंद करना. हम किस चीज को बंद करेंगे, door को या floor को? Yes, door. Write down door. D-O-O-R, door. Okay, shut the door. Number three, comb your dash, chair or hair. Comb means कंघी करना. Okay, तो आप किसमें कंघी करते हो, चेयर में करते हो या हेयर में करते हो? Yes, hair. Write down hair. H-A-I-R, hair. Okay, now number four, open your dash, cook or book. आप किस चीज को ओपन करोगे, कुक और बुक? Yes, book. Write down book. Now students, come on page number 14, part 3. Begin each sentence choosing the correct word from the box. यहाँ पर आपको कुछ words दिए गए हैं box में, आपने इनको choose करके यहाँ से sentence begin करना है. Okay students, now number wash, polish, pair, brush. Okay. Now number one is dash your nails. Nails को हम क्या करते हैं? Wash, polish, pair or brush. Which word comes here? Yes, pair. Pair means trim. काटते हो ना आप अपने nails को? उसको हम बोलते हैं pair या trim भी बोल सकते हैं. Okay. Number two, dash your teeth. Wash, polish or brush. टीथ में क्या करते हो आप? यस, ब्रश. बी आर यू एस एच, ब्रश योर टीथ. ओके. नंबर थ्री, डैश योर शूज, वॉश और पॉलिश. यस, पॉलिश. वेरी गुड. पी ओ एल आई एस एच, पॉलिश. पॉलिश योर शूज. नंबर फोर्थ, dash your hands. Hands को क्या करते हो आप? Wash. Yes, write on wash. W-A-S-H. Wash your hands. Now students, come on page number 15. Rewrite each sentence using the short form of the underlying word. Okay students, सबसे पहले हम short forms देखेंगे कि हम इनको कैसे लिखते हैं. Do not, do not की जो short form होगी उसको हम ऐसे लिखेंगे, don't, D-O-N apostrophe and T, don't. Okay, next one is does, D-O-E-S, does and not, not, does not, doesn't, does not की short form होगी doesn't, D-O-E-S-N apostrophe T, doesn't. Next one, should not, S-H-O-U-L-D, should, and not, not, should not ki hogi shouldn't, S-H-O-U-L-D-N apostrophe and T. Okay students, understood? Ab humne in short form ki help se, jahan pe underlying words hain, wahan pe aapne short forms use karni hai. Number one, we do not write on walls. Do not को underline किया गया है, इसकी जगह आपने do not की short form write करनी है. So write down like this, we don't write on walls. Walls क्या होती हैं? दीवारें. हमें दीवारों पे नहीं लिखना चाहिए. Number two, good boys does not tell lies. The answer is good boys does not. What is the short form of does not? Doesn't. D-O-E-S-N apostrophe and T. Doesn't tell lies. Good boys doesn't tell lies. अच्छे लड़के झूठ नहीं
बोलते. ओके स्टूडेंट्स, नंबर थ्री, अनु डज नॉट गो टू स्कूल. अनु स्कूल नहीं जाती है. अनु डज नॉट, डजंट, एपोस्ट्रॉफी, गो टू स्कूल. अनु डजंट गो टू स्कूल. नंबर फोर, यू शुड नॉट प्लक फ्लावर्स. यू शुडंट, एपोस्ट्रॉफी टी, शुडंट प्लक फ्लावर्स. हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए. सो स्टूडेंट्स, यू सी इन दिस एक्सरसाइज वी यूज शॉर्ट फॉर्म ऑफ डू नॉट, डज नॉट एंड शुड नॉट. सो स्टूडेंट्स, कम ऑन पेज नंबर 16, पार्ट टू. बिगिन ई सेंटेंस विद यू शुड. यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको आपने यू शुड से बिगिन करना है. बिगिन मीन्स स्टार्ट करना है. ओके, नंबर वन, हेल्प द पुअर. तो अभी हम यू शुड जो है वो उसे बिगिन करेंगे सेंटेंस को. राइट डाउन लाइक दिस, यू शुड हेल्प द पुअर. यू शुड हेल्प द पुअर. हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए. ओके, नंबर टू, स्पीक द ट्रूथ. यू शुड स्पीक द ट्रूथ. तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए. ओके, नंबर थ्री, लव योर कंट्री. यू शुड लव योर कंट्री. यू शुड लव योर कंट्री. तुम्हें अपने कंट्री से, अपने देश से क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए, लव करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द ओनली थ्री सेंटेंसेस विच आई टेक फ्रॉम बुक. रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स यू डू इट योर सेल्फ एट योर होम. ओके स्टूडेंट्स, यू सी इन दिस एक्सरसाइज वी यूज यू शुड. ओके स्टूडेंट्स, कम ऑन पेज नंबर 17, पार्ट 4. बिगिन ईच सेंटेंस विद ऑलवेज और नेवर. यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको आपने ऑलवेज और नेवर लगाकर बिगिन करना है, शुरू करना है. ओके, सो नंबर वन इज डैश टेल लाइज. विच वर्ड कम्स हियर, ऑलवेज और नेवर? ऑलवेज मीन्स हमेशा और नेवर मीन्स कभी नहीं. सो विच वर्ड कम हियर? नेवर, एन ई वी ई आर, नेवर टेल लाइज. फर्स्ट लेटर ऑफ नेवर विल बी कैपिटल. ओके, नेवर टेल लाइज, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. नंबर टू, डैश हेल्प द पुअर. ऑलवेज और नेवर, विच वर्ड्स कम हियर? ऑलवेज और नेवर? यस, ऑलवेज. ए एल डब्ल्यू ए वाई एस, ऑलवेज, हमेशा. हमें हमेशा गरीबों की क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए. ओके, नंबर थ्री, डैश ईट जंक फूड्स. नेवर और ऑलवेज? यस, नेवर, एन ई वी ई आर, नेवर ईट जंक फूड्स. हमें जंक फूड्स को नहीं खाना चाहिए. नंबर फोर, डैश स्पीक द ट्रूथ. नेवर और ऑलवेज, विच वर्ड कम हियर? ऑलवेज, ए एल डब्ल्यू ए वाई एस, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. ओके, नंबर फाइव, डैश लर्न बैड थिंग्स. विच वर्ड कम हियर, नेवर और ऑलवेज?
Yes, never. N-E-V-E-R. Never learn bad things. हमें बुरी बातें है ना, बुरी चीजें नहीं सीखनी चाहिए. Okay. Number 6. Dash do your homework. Always do your homework. A-L-W-A-Y-S. Always do your homework. हमें हमेशा अपना homework करना चाहिए. So students, here we use never or always. So students, that's all for today's class. I hope you all understood this lesson properly. In coming days, I will be conducting a small test for you. So be prepared. Thank you. Have a nice day.